भविष्यवक्ता। परमेश्वर हमेशा इजरायली मंठी भविष्यवक्ता मल्ला भेजत रहिस। भविष्यवक्ता परमेश्वर ले संदेश मल्ला सुनत रहिन और फेन ओला मनसे मल्ला बतात रहिन। अब अहाब इजरायल राज मा राजा रहिस तो उ समय एलिया भविष्यवक्ता रहिस। अहाब एक जन बुरा मनसे रहिस। ओहर झूठा बाल देवता के आराधना करे बर मनसे मल्ला विवश करे रहिस। इकर बर एलिया हर अहाब ले कहिस कि परमेश्वर उ मनसे मल्ला दंड दे बर जात रहिस। ओहर ओकर ले कहिस, जब तक मैं फेल ले बरसा होए बर नी कि हाँ तब तक इजराइल के राज मा नी बरसा होही और नी ओस गिरही। इ गोइठ हर अहाब ला अति क्रोधित कर दिस कि ओहर एलिया ला मार डारे के फैसला करिस। इकर बर परमेश्वर हर एलिया ले कहिस कि उ जंगल मा जाके अहाब ले लुका जाए। एलिया जंगल मा उ झरना ठीगिस जोन करा जाए बर परमेश्वर हर ओला बताए रहिस। हरेक बिहान और हर सांझ चिरई एलिया बर रोटी और मांस लेके आत रहिन। इ पूरा समय अहाब और ओकर सेना एलिया के खोज करत रहिन, लेकिन ओमन ओला खोज नी पाइन। बरसा नी होए ले कुछ समय के बाद उ झरना हर सुखा गिस। इकर बर एलिया लखठा के एक ठन देश मा चल दिस। उ देश मा एक जन गरीब विधवा रहिस जेकर एक जन बेटा रहिस। ओमंठी भोजन लगभग सिरागे रहिस काबर की ओकरा कोनो फसल नी होए रहिस। लेकिन फेन घोले उ नारी हर एलिया के देखभाल करिस। इकर बर परमेश्वर हर ओकर और ओकर बेटा के जरूरत मल्ला पूरा करिस। इकर बर ओकर आटा के बर्तन और ओकर तेल के कुप्पी कभू खाली नहीं होइस। उ पूरा अकाल के बेरा उ मंठी भोजन रहिस। एलिया कुछु बछर तक ओकरा रहिस। 3.5 बछर के बाद परमेश्वर हर एलिया ले कहिस कि उ फेन ले वर्षा करही। ओहर एलिया ले वापस इजराइल के राज मा जाके अहाब ले गोइठ मन करे बर कहिस। इकर बर एलिया अहाब ठीगिस। जब अहाब हर ओला देखिस तो ओहर कहिस, अच्छा ते अस समस्या पैदा करे वाला। एलिया हर जवाब दिस, समस्या पैदा करे वाला तो ते अस, ते हर यहोवा ला त्याग देहस। ओइच सच्चा परमेश्वरे, लेकिन ते बाल देवता के आराधना करत हस। अब तोला इजराइल राज के सब मनसे मन ला कर्मेल पर्वत ला लेके आए बर हे। इकर बर सब मनसे कर्मेल पर्वत ला गिन। उ पुरुष घोले आइन जोन कहत रहिन कि ओमन बाल देवता के संदेश मल्ला बोलत रहिन। इ मनसे बाल देवता के भविष्यवक्ता रहिन। ओमन सब 450 रहिन। एलिया हर मनसे मल्ले कहिस, कब तक तुमन अपन मन बदलत रहिया? अगर यहोवा परमेश्वर है तो ओकर आराधना करा, अगर बाल देवता परमेश्वर है तो ओकर आराधना करा। तहां एलिया हर बाल देवता के भविष्यवक्ता मल्ले कहिस, एक ठन जानवर ला मारा और ओकर मांस के टुकड़ा मल्ला बलिदान होए के एक ठन बेदी मा रखा, लेकिन आगे नी लगा। ओकर बाद मैं घोले उसनेच करी हाँ और एक ठन अलग बेदी मा मैं उ मांस ला राखी हाँ। तहां अगर परमेश्वर बेदी मा आगे गिराही तो तुमन जान लिह कि ओहर सच्चा परमेश्वर है। तहां बाल देवता के भविष्यवक्ता मन एक ठन बलि ला तैयार करीन, लेकिन आगे नी लगाइन। तहां बाल देवता के भविष्यवक्ता मन बाल देवता ले प्रार्थना करीन, हे बाल देवता हमर सुन। पूरा दिन ओ मन प्रार्थना करीन और नरियाइन और इकरा तक कि स्वयं ला चाकू मन ले काट लीन। लेकिन बाल देवता हर उत्तर नी दिस और ओहर कोनो आगे नी गिराइस। बाल देवता के भविष्यवक्ता मन बाल देवता ले प्रार्थना करे मा लगभग पूरा दिन बिता दिन। इकर बर ओ मन प्रार्थना करे बर बंद कर दे। कहा एलिया हर दूसर जानवर के मांस ला परमेश्वर के बेदी मा राख दिस। ओकर बाद ओहर मनसे मल्ले पानी के 12 बड़े बर्तन मल्ला उ बलिदान के ऊपर उंडेले बर कहिस। जब तक कि मांस लकड़ी मन और इकरा तक कि बेदी के आसपास के भुइयां पूरी तरह ले गीला नहीं हो जाए। तहा एलिया हर प्रार्थना करिस, हे यहोवा अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमल्ला दिखा कि ते इजराइल के परमेश्वर अस और ई कि मैं तुर दास हूँ।
मोला उत्तर दे, जेकर ले कि ई मन से जान लिही कि तैंच सच्चा परमेश्वर अस। तुरतेच आकाश ले आगी गिरीस और ओहर मांस लकड़ी मन चट्टान मन माटी और इकरा तक की वेदी के आसपास के पानी ला घुले जला दिस। जब मनसे मन ई देखिन तहाँ उमन भुइयां में गिर पड़िन और बोलिन, यहोवाच परमेश्वरे। तब एलिया हर कहिस, बाल देवता के एक ठन घोले भविष्यवक्ता बच के नहीं जा पाए, इकर बर मनसे मन हर बाल देवता के भविष्यवक्ता मल्ला पकड़ लीन और ओ मल्ला ओकरा ले अलग लेगिन और ओ मल्ला मार डाली। तब एलिया हर अहाब राजा ले कहिस, तुरतेज अपन घर ला भाग जा, काबर की वर्षा होए वाला है, तुरतेज बादर करिया होगीस और भारी बारिश शुरू होगीस। यहोवा उस सूखा ला खत्म करत रहीस, ई माले इहर प्रगट होइस कि यहोवाच सच्चा परमेश्वर है। जब एलिया हर अपन काम ला खत्म कर दीस, तहाँ परमेश्वर हर एलिशा नाम के एक जन पुरुष ला अपन भविष्यवक्ता होए बर चुनीस। परमेश्वर हर एलिशा के माध्यम ले बनेच चमत्कार करीस, एक ठन चमत्कार नामान के संग होइस। वो हर एक ठन बैरी के सेना के मुखिया रहीस, लेकिन ओला चमड़ी के एक ठन बुरा रोग हो गए रहीस। नामान हर एलिशा के बारे में सुने रहीस, इकर बर उ एलिशा ठी आईस और ओकर ले ओला ठीक करे बर विनती करीस। एलिशा हर नामान ले कहीस कि जाके यर्दन नदी के पानी में 7 घाट डुबकी लगा ले। नामान रिसा होगीस, ओहर ऐसने करे बर इनकार कर दीस, काबर की ओला मूर्खता के काम लागत रही। लेकिन बाद में ओहर अपन मन बदल लीस और जाके यर्दन नदी के पानी में 7 घाट डुबकी लगाईस। जब आखिरी घा ओहर पानी ले बाहर निकलीस, तब परमेश्वर हर ओला चंगा कर दीस। परमेश्वर हर इज़राइल के मनसे मंठी दूसर बनेज भविष्यवक्ता मल्ला भेजीस, उ सब मनसे मन ले मूर्ति मन के आराधना करे बर बंद करे बर कहीं। इकर जगह ओ मल्ला एक दूसर के संग न्यायपूर्वक व्यवहार करे के चाही और एक दूसर के ऊपर दया करे बर चाही। उ भविष्यवक्ता मन मनसे मल्ला चेतावनी दीन की ओ मन के बुरे काम मल्ला बंद करे के है और इकर जगह परमेश्वर के गोइठला पालन करे बर है। अगर उ मनसे मन हर ऐसने नहीं करही, तब परमेश्वर हर ओ मल्ला दोषी मान के ओ मन के न्याय करही और ओ मल्ला दंड दही। अधिकांश समय उ मनसे मन परमेश्वर के आज्ञा के पालन नहीं करीन, अक्सर ओ मन हर भविष्यवक्ता मन के संग बुरा व्यवहार करीन और इकरा तक की कभू कभू ओ मल्ला मार डारीन। एक घा ओ मन हर यिर्मयाह भविष्यवक्ता ला सूखा कुआं मा डार दीन और ओला ओकरा मरे बर छोड़ दीन। उ कुआं के तरी मा चिखला मा धंस गीस, लेकिन तहां राजा ला ओकर ऊपर दया आईस और ओहर अपन सैनिक मल्ला आदेश दीस कि यिर्मयाह के मरे के पहले ओला कुआं ले बाहर खींच ले। भविष्यवक्ता मन हर परमेश्वर के अंगले गोइठ करे बर चालू राखीन, भलेच मनसे मन हर ओ मल्ला तुच्छ समझीन। ओ मन हर मनसे मल्ला चेतावनी दीन कि अगर ओ मन पश्चाताप नहीं करही, तब परमेश्वर ओ मल्ला नाश कर दही। ओ मन हर मनसे मल्ला इला घोले सुरता करवाइन कि परमेश्वर हर ओ मनठी मसीह ला भेजे के प्रतिज्ञा करीसे। पहला राजा अध्याय 16-18, दूसरा राजा 5, यिर्मयाह 38 ले बाइबिल के एक ठन कथा।